जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्स। और आज की रेस्क्यू कॉल है गोंडा जिला के रामापुर कुसावा गांव से। मौका पे हम पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहां पे पानी की टंकी में इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नैक देखा गया है। मौका पे हम पहुंच चुके हैं और चलते हैं, देखते हैं कि पानी की टंकी में कहाँ पर है। बता रहे हैं कि पानी की टंकी में गिरा शिकार के चक्कर में और भाग नहीं पाया, तो हम चलते हैं स्नैक को देखते हैं कहाँ पर है और उसे रेस्क्यू किया जाता है। चलिए सर बताइए कहाँ पर है। और चल रहे हैं, देखते हैं इसने कहाँ पे छिपा हुआ है। आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत पुष्प लगाए गए यहाँ पे, जो कि घर की शोभा है। देख के चलेगा, यहाँ पे खरपतवार है, क्योंकि सांप इस समय शीत निद्रा की तैयारी में लगे हुए हैं और ये इस समय तेजी सांप शिकार कर रहे हैं। और खास करके ऐसे लता वाली सब्जियों में खास करके सब बैठते हैं इंडियन रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नैक। जी जी, ये इंजन है और जस्ट इसी के पास पानी की टंकी है जिसके अंदर रसल स्वाइपर जहर चंदा स्नैक गिरा हुआ है टंकी के अंदर। यहाँ पे पटरा लगा था, इसी के सहारे शिकार के चक्कर में ये टंकी में आ गिरा है और स्नेक को रेस्क्यू करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। काफी विषैला स्नेक होता है, इसके अंदर हेमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। और स्नेक को हम कैच करते हैं। और स्नेक को पकड़ चुके करते हैं। आप देख सकते हैं ये स्नेक प्राय छलांग मार के काटता है और ये काफी खतरनाक होता है। इसके अंदर हेमोटॉक्सिन नाम का जहर इंसान को व्हाइट कर लेता है, काट लेता है, डस लेता है, तो ब्लड के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज होने के बाद मांस गैंग्रीन सूजन आना, मांस गैंग्रीन होना चालू हो जाता है। और अगर जल्दी से जल्दी इसका एंटीडोज न मिले तो इंसान की स्थिति काफी खराब हो जाती है। और इसके वाइट लेने के बाद काटी हुई जगह पे सूजन, मांस में गैंग्रीन और सड़ना, यानी कि ये मान के चलिए कि स्नेक वाइट कर लिया तो इंसान को कुत्ते की मौत मारता है और बेहद खतरनाक स्नेक होता है। और ये स्नेक प्रायः बच्चों को जन्म देता है। यही एक ऐसा स्नेक है जो कि पिंडज है, ये बच्चों को जन्म देता है प्रायः, ये अंडा देने वाला नहीं है और ये बच्चा देता है, जो कि भारत में इसकी संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ये एक महामारी बन चुका है और यहाँ पर हर तीसरे दिन हमें एक सूचना मिलती है, कभी धान के खेत में, कभी तरोई के खेत में, कभी लतादार सब्जी में, कभी जो लतादार सब्जियाँ होती उसमें ये चढ़ के बैठता है। खास करके हमारे किसान भाइयों के लिए काल होता है, तो हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी खेत में जाएं तो बिल्कुल सावधान रहें, हो सके तो पैर में शूज पहन के, जूता पहन के जाएं, क्योंकि ये ऐसे स्नेक प्रायः पैर पे ही अटैक मारते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है। जिन क्षेत्र में ये सांप हैं वो लोग काफ़ी सावधान रहें। कभी कभी ये गन्ने के खेत में बैठते हैं और ये काफ़ी आक्रामक होते हैं। इनकी खास पहचान है गोला आकार बना होता है और एक काले में और सफ़ेद में धब्बा बना हुआ आता है। ये तीन लाइन होता है, आप देख सकते हैं, एक इस साइड से, एक बीच में और एक इस साइड से।
और ये स्नेक जब भी ऐसा स्नेक दिखे तो आप लोग तत्काल दूरी बनाएं, क्योंकि ये चार हाथ दूरी तक, चार फुट तक ये छलांग मार के काट लेते हैं। किंतु हम इसके करीब हैं इसलिए कि इस पे हमारी पढ़ाई है, इसके बारे में हमें पूरा पूरा अनुभव है, नॉलेज है, इसलिए हम इसे पकड़े हुए हैं और इसके करीब हैं। और अगर हमें भी नॉलेज नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो हम भी इससे काफ़ी दूरी बनाते, फिर भी हम लोगों के साथ भी हादसा हो जाता है। जबकि हम लोगों की पूरी पूरी ट्रेनिंग और पढ़ाई होती है, उस पर काफ़ी समय शिकार करते रहते हैं, इसके बाद भी हादसा हो ही जाता है। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना, अलर्ट रहना है। और स्नेक को हम पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट के तरफ, जहाँ पर इन्हें रिलीज किया जाएगा। और इनकी लंबाई प्राय है लगभग 7-8 फीट के आसपास पाई जाती है। अभी ये बच्चा है, कभी कभी लोग इसे अजगर समझ बैठते हैं। मटियारी सांप, कॉमन सेंट गोवा, इनसे मेल खाते हुए अनेकों सांप होते हैं। थैला लाइए और इन्हें पैक करते हैं। चलिए, स्नेक को थैले में डाल चुके हैं और पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि देखा वही है। आप दूर रहिए, पैर मार ले लेगा, क्योंकि इनका वास्तविक घर फॉरेस्ट ही होता है। और इसने को हम पैक कर चुके हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट के तरफ। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्हें हम लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे इन्हें रिलीज कर देंगे, ये अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेंगे, निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर। तो हम चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ। आ रहा है कितना खूबसूरती के साथ और अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा, देखने में अजगर जैसा दिखने वाला, काफी खूबसूरत। और ये कितना खूबसूरती के साथ ये फॉरेस्ट में जा रहा है। और ये इंडियन रसल स्वाइपर स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश में, नेचर में जा चुका है, फॉरेस्ट में जा चुका है। हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।